अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 10th का चैप्टर 2 साउंड के बारे में बात करेंगे। लाउडनेस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउडनेस से पहले जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड से पहले मैंने सोचा कि आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स के बारे में बता दिया जाए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ताकि अगर वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में जब वो टर्म्स यूज हो तो उसे आपको अवेयरनेस हो, उसके बारे में आपको पता हो। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास है जो जिस पे आपके पास साउंड वेव डिपेंड करती है, दैट इज वेवलेंथ। सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड, थर्ड वन इज टाइम पीरियड, फोर्थ वन इज फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट्स, ये चार टर्म्स हैं जिस जो साउंड वेव्स को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करती है, डिस्क्राइब करती है। वन बाय वन मैं एक एक के आपको डिस्क्रिप्शन जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा। वेवलेंथ किसी भी साउंड वेव की क्या होती है? वेवलेंथ स्टूडेंट साउंड वेव की वो होती है जो कि मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो कम से कम फासला होता है जो पीरियडिकली अपने आप को रिपीट करे, which repeat itself, या फिर यू कह सकते हैं ये वो फासला होता है जो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान होता है। दो कंजेक्टिव क्रस्ट या फिर दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान का फासला जो है वो वेव लेंथ कहलाता है, या फिर यू कह लें कि वो कम से कम फासला जो साउंड वेव्स रिपीट करता है इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को कहा जाता है क्रस्ट। दिस इज अ क्रस्ट ऑफ द वेव एंड दिस वन इज द ट्रफ ऑफ द वेव। सिमिलरली दिस वन इज आल्सो अ ट्रफ एंड दिस वन इज आल्सो अ क्रस्ट। तो हम ये कह सकते हैं वो कम से कम फासला, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस एंड दिस साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। लेट सपोज इफ दिस साउंड वेव ये कंटिन्यू करती है सो ऑन पे, ये कंटिन्यू रहती है, तो फिर जो क्रस्ट है ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। सिमिलरली ये जो ट्रफ है साउंड वेव्स का, ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। फिर सेकेंडली हम इसको यू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस जो है जो दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान हो या फिर दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला हो वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रस्ट है आपके पास जिसको मैंने यहाँ पे बी से शेड किया हुआ है, पॉइंट बी से, और ये आपके पास एफ से। सो आप यू कह लीजिए बी और एफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है बी एफ, यहाँ पे बी एफ जो है दिस इज नोन एज योर वेवलेंथ, और यही बी एफ जो है ये डिस्टेंस है कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस डायग्राम से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डी एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपके पास डिस्टेंस है कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान। सो आप ये भी दोनों डेफिनेशंस के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि ये जो कम से कम फासला है ये साउंड वेव में अपने आप को रिपीट करे, नंबर वन, या फिर आप यू कह लीजिए कि जो कंजेक्टिव डिस्टेंस होता है क्रस्ट के दरमियान या फिर कंजेक्टिव डिस्टेंस होता है ट्रफ के दरमियान वो आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। दिस इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। सो आगे इससे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बता दूं। स्टूडेंट्स, चूंकि कम से कम फासला होता है, यानी ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इसको कह सकते हैं आप, इसको कम से कम फासला कह सकते हैं, दैट्स व्हाई वेवलेंथ को हम जो है वो सेंटीमीटर में भी मेयर कर सकते हैं और मीटर में भी मेयर कर सकते हैं। ये आपके पास सेंटीमीटर और मीटर दोनों में मेयर किया जा सकता है। और वेवलेंथ आपके पास एक सिंबल है लैम्डा जिसको कहा जाता है, इसको हम लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे भी बी एफ डिस्टेंस को और डी एच डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लुक एट दैट, डी एच डिस्टेंस जो है ये भी लैम्डा है और बी एफ डिस्टेंस भी लैम्डा है। अब टू सो ऑन, अगर इस वेव को हम कंटिन्यू रखें इनफाइनाइट तक, तो आप देखेंगे क्रस्ट भी जो है आपके पास रिपीटेडली रिपीट करेगा अपने सेल्फ को और ट्रफ भी रिपीट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ, ये टर्म्स भी
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन व्हेन वेव पास थ्रू अ मीडियम। आप यूं कह लें कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किस चीज की, पार्टिकल ऑफ द मीडियम की। देखिए हमें पता है कि जो कोई भी मीडियम है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो जब साउंड वेव उस मीडियम में से पास करती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ये दे विल स्टार्ट वाइब्रेशंस, दे विल स्टार्ट ओसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जब वो ओसिलेट करते हैं मीन पोजीशंस पे या फिर वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशंस पे, तो स्टूडेंट्स वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन से पार्टिकल्स की, वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड कहलाता है। किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दे सकता हूं कि जैसे आपके पास ये पार्टिकल्स हैं, अब ये पार्टिकल्स यहाँ फिक्स पोजीशन में लोकेट हुए हुए हैं। जब इसमें से कोई वेव पास करती है, लाइक जब हम किसी वेव को किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्राइक करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम ब्लॉक करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके पार्टिकल स्टूडेंट्स अपने लाइक दैट अपने मेन पोजीशन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे डिस्प्लेसन स्टार्ट कर देते हैं टू एंड फोर्थ पोजीशंस पे। तो जितने ये मैक्सिमम डिस्प्लेस करेंगे, जितना ये मैक्सिमम डिस्प्लेस करेंगे अपने ही पोजीशन से, अपने इस पोजीशन से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जितना डिस्प्लेस करेगा, ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है? दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल व्हेन वी डिस्टर्ब द पार्टिकल, और यू कैन से दैट जब वेव पास करता है किसी मीडियम में से। सिमिलरली जो एम्पलीट्यूड का यूनिट है वो भी एक्चुअली मीटर में है, वेवलेंथ होगी या फिर एम्पलीट्यूड हो गया, इसको हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड कहते हैं हम द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव आर साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, आर द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वो आपके पास साउंड वेव का टाइम पीरियड होता है। जैसा कि आप यूं कह लीजिए कि ये वेव स्टार्ट होती है, हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये वेव आपके पास स्टार्ट हुई है पॉइंट ए से, एंड पॉइंट ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, एंड देन यहां पे आके स्टूडेंट्स ये जो वेव है ये कंप्लीटली आके फिनिश होती है यहां पे। इसको मैं पॉइंट ई कह देता हूं, पॉइंट ई पे आके ये वेव कंप्लीटली फिनिश होती है। तो इसको कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल, ए बी डी ई। स्टूडेंट्स ए बी डी ई आपके पास इस डायग्राम के अंदर एक कंप्लीट साइकिल है, और नेक्स्ट कंप्लीट साइकिल कहां शुरू हो रही है? ई एफ एच आई, ई एफ एच आई आपके पास नेक्स्ट कंप्लीट साइकिल है जो यहां से स्टार्ट करता है और आई पे खत्म होता है। तो हमें जितना टाइम दरकार होगा, जितना टाइम चाहिए होगा इस वेव को यहां तक ई तक पहुंचने में, वो मेरे पास एक साइकिल कहलाएगा, यू कह लीजिए एक वाइब्रेशन कहलाएगा। सो नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं इसको, एक वाइब्रेशन किसके बराबर होती है? कि ये जो पार्टिकल है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब होकर ऊपर जाए और उतने ही कम टाइम में वापस आए, ये ऊपर जाए। जब ये ऊपर जाता है स्टूडेंट्स ये है इसका क्रस्ट, दिस विल बी अ क्रस्ट। जब ये नीचे आता है ये इसका ट्रफ। सो ये एक वेव आपके पास कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो ये डिस्प्लेस होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जैसा कि आप इस फिगर में समझ सकते हैं। बी पी ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, बी पी इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एफ आर इज द एम्पलीट्यूड और एस एच इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये पी क्या शो कर रही है? ये पी ये शो कर रही है कि यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, डिस्टेंस कवर किया है। दैट्स वाई बी पी और डी क्यू और एस एच हमें ये बता रहा है कि दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ साउंड वेव्स, और यही चीज हमें ये बता रही है कि मेरे पास जो टाइम दरकार होगा इस वेव को ए से ई तक पहुंचने के लिए, वो मेरे पास इस साउंड वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा।
और यही हम स्टेटमेंट रख सकते हैं वाइब्रेशंस के लिए। जब एक किसी वेव ने अगर एक वाइब्रेशंस कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स, तो आपके पास वो ए से ई तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस होगा, ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ होगा, इससे मिलके एक वेव बनती है, वो एक वाइब्रेशंस के बराबर होती है। तो हमें जो टाइम दरकार होता है वन वाइब्रेशंस वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स आर साइकिल प्रोड्यूस इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। साइकिल चूंकि हम समझ सकते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स वो क्या था कि मेरी वेव जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है और ई पे आके फिनिश हो रही है। दिस इज माय साइकिल। साइकिल क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, साइकिल जो है दिस इज, यहाँ पे दो साइकिल हम बना सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट साइकिल है ए बी डी ई, ए बी डी ई आपके पास फर्स्ट साइकिल है, ए बी डी ई दिस इज योर साइकिल, ये फर्स्ट है आपके पास। और सेकंड साइकिल की अगर हम बात करें, ये साइकिल शुरू हो रहा है ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सेकंड साइकिल। देखिए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव एक सेकंड के अंदर, एक वेव जितनी साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकंड के अंदर ए से लेके ई तक, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन है, कितनी साइकिल एक वेव प्रोड्यूस करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी स्टूडेंट्स। एक सेकंड के अंदर कोई भी वेव कितने मैक्सिमम साइकिल प्रोड्यूस करेगी या कितनी मैक्सिमम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, वो क्या कहलाएगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसा कि लेट्स सपोज मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो 10 हर्ट्ज क्या चीज है, हर्ट्ज जो है मैं एच जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज के यूनिट से मेजर करते हैं। तो मैं अगर कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो 10 हर्ट्ज स्टैंड फॉर कि वो ऑब्जेक्ट जो है 10 नंबर ऑफ साइकल्स या 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है 1 सेकंड के अंदर। सिमिलरली ट्यूनिंग फोर्क से आप मुतारिफ है, हम इसको साउंड्स के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। जो ट्यूनिंग फोर्क है वो 256 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है 1 सेकंड के अंदर। तो मैं अगर कहूं कि ट्यूनिंग फोर्क की टोटल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, तो इसका क्या मतलब है कि ट्यूनिंग फोर्क इस तरह की जो साइकल्स है वो एक सेकंड में 256 साइकिल कंप्लीट करता है, 256 साइकल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड। आप ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं अगर कहूं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का जनरल यूनिट 1 हर्ट्ज है, तो 1 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल इन 1 सेकंड। यानी अगर 1 सेकंड में ये वेव जो है ए से बी सी डी ई पे आता है, तो आपके पास ये 1 सेकंड में 1 नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो आपके पास अगर मैं कहूं 10 हर्ट्ज, तो क्या मतलब है इसका कि 10 नंबर ऑफ साइकिल्स या ए से ई तक कंप्लीट हो रही है 1 सेकंड के अंदर। जब हम किसी चीज की बात करते हैं कि सब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीट करता है 1 सेकंड के अंदर। जब हम करते हैं कि किसी चीज की फ्रीक्वेंसी कम है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीट करता है कम टाइम के अंदर। तो ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव्स की, जिससे मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना, मैंने जरूरी समझा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स पढ़ाने से पहले, क्योंकि टर्म्स हमारी वहाँ यूज होती है जिससे आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसको अगेन थोड़ा समराइज कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, जो दो क्रस्ट या फिर ट्रफ के दरमियान का फासला होता है वो आपकी वेवलेंथ होती है। जैसा कि यहाँ पे बी एफ एंड डी एच बोथ आर दी वेवलेंथ,
ये दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान का फासला और ये दो कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान का फासला है। तो BF एंड DH, BF और DH जो है आपके पास दोनों ही वेवलेंथ्स हैं। इसी तरह हमने ये भी बात की कि वो साउंड वेव जो डिस्टेंस जो रिपीट करे अपने आप को इटसेल्फ, वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। एम्पलीट्यूड की हमने बात की कि इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, और दूसरा ये वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स की, जब किसी मीडियम में से पार्टिकल पास करता है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जब डिस्प्लेस होते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से, डिस्प्लेस होते हैं ऊपर नीचे टू एंड शॉर्ट पोजीशंस में, जब ये डिस्प्लेस होते हैं तो एम्पलीट्यूड गेन करते हैं, हाइट गेन करते हैं, अपने ओरिजिनल जहाँ पे लोकेट हुए होते हैं वहां से डिस्प्लेस होते हैं, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो समटाइम ये पार्टिकल बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होते हैं, समटाइम ये बहुत कम डिस्प्लेस होते हैं। जब बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होते हैं तो ये पीक ज्यादा हमें मिल जाता है, जब बहुत कम डिस्प्लेस होते हैं ये पीक हमें कम मिल जाता है। तो जितने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VP से, FR से और SH से। स्टूडेंट्स दीज ऑल आर द एम्पलीट्यूड, दीज ऑल आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन देता है। ये यू कह लीजिए आसान टर्म्स में कि एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स जो थे मीडियम के अंदर वो कितने हद तक डिस्प्लेस हुए, ये पीक आपको इंफॉर्मेशन देता है। सेकंडली टाइम पीरियड की हमने बात की कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो जो साइकिल एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टाइम दरकार है, कितने नंबर ऑफ सेकंड्स में एक साइकिल कोई वेव जो है कंप्लीट करेगी या कोई ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ वेव जो है साइकिल्स प्रोड्यूस करेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। मुझे यहाँ से ए से ई तक पहुंचने के जो टाइम दरकार है स्टूडेंट्स वो मेरा टाइम पीरियड कहलाएगा। इसी तरह ई से आई तक जो मुझे टाइम दरकार है वो मेरा टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी मैंने बात की कि मुझे एक साइकिल कंप्लीट करने के एक सेकंड में मुझे जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसको हम हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं। वन हर्ट्ज इक्वल होता है वन जो है वन नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट होता है वन सेकंड्स के अंदर वो आपके पास वन हर्ट्ज होता है। इसे नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के बारे में, और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा उसके बारे में। थैंक्स अ लॉट।